बघ लागलो खाली. मैंने तीन लोग को अनम्यूट किया है, शिवाली, धनंजय, हर्षदा. हर्षदा मैंने अनम्यूट किया है तुमको, पर तुम्हारा, हाँ ठीक है. ठीक है, मैं ओम को कर लेता हूँ. ओम व्याकुल लिए और को ले लिया, सैयद को ले लेता हूँ. इलम नहीं है क्या आज? कोई तो अखिल PP1 करके है, इसका ना तो वीडियो ऑन है ना तो ऑडियो ऑन है, क्या ये बस ऐसे ही क्लास में बैठा हुआ है क्या? हेलो. हाँ हाँ ठीक है, तो अभी इस केस में कौन कौन अनम्यूट है? शिवाली तुम हो ना? हेलो शिवाली, शिवाली सैयद तू है? सैयद तू है? सर. ठीक है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स कैसे निकालें. ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स निकालने का प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों पार्ट का अलग जब फंक्शन था, इफ FX इज डिफाइंड इन बिट्स एंड पीसेस, इन बिट्स एंड पीसेस, तो फाइंड करना चाहिए इनवर्स, फाइंड इनवर्स ऑल्सो इन बिट्स एंड पीसेस. ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे अपन, पहले पार्ट का पहला इनवर्स निकालेंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर. इस केस में कहां से कहां डिफाइंड है ये? माइनस इनफी से जीरो. ओके, और अपने को डिफाइन करने का है ऑन टू, अपन इसको ऑन टू बनाएंगे तो रेंज कितनी आ रही है इसकी, देखो तो इसकी रेंज आ रही है इनफी से जीरो ना, अपन ने डिफाइन कर दिया जीरो से इनफी. फंक्शन कैसा हो गया? वन वन है, और फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू है. ठीक है, अब इस पार्ट का इनवर्स निकाल लो, क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, दो वैल्यू आ गई ना, अपन को इसकी वजह से क्या चमक रहा है, क्या लेंगे अपन, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई. ठीक है, अपने पास क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, कहां से कहां, जीरो से इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से जीरो. ये आपका पहले पार्ट का इनवर्स आ गया. दूसरे पार्ट का, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां डिफाइंड है, जीरो इन्फिनिटी से. अब इस केस में रेंज क्या है, माइनस इन्फी से जीरो है ना, तो माइनस इन्फी से जीरो कर दिए. ठीक है फाइन, तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वाई प्लस माइनस,
दैट इंप्लाइज अपने पास अगेन x की दो वैल्यू आ गई, अपने पास x की अगेन दो वैल्यू आ गई ना, हमें मालूम है ना प्लस वाला लेना है क्योंकि x इज पॉजिटिव, बिकॉज x इज पॉजिटिव, तो यू आर ले लिए, कहां से कहां डिफाइंड है, जीरो से इन्फी से, माइनस इन्फी से जीरो, अब क्या करोगे, x को y, y को x, x को y को x, x को y को x, और डोमेन को और उसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, अपना इस पार्ट का भी आ गया। अब फाइनली आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे, आंसर ऐसे रिपोर्ट करोगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस x, फॉर x लेस देन जीरो, फॉर x ग्रेटर देन जीरो आपके पास है माइनस रूट x, दैट इज हाउ यू फाइंड इनवर्स ऑफ अ bits and piecewise defined, and bits and piecewise defined, then ठीक है, बोलो अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जी थ्री वाले में दिक्कत आ रही हो तुमको, ठीक है, जी थ्री जी फोर रोक लेते हैं, वैसे जी फोर कर सकते हैं, ठीक है, सो जी फोर में करके दिखाता हूँ, जी फोर से क्वेश्चन करते जी थ्री का जो सेकंड थोड़ी देर में, बट जी फोर जैसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, या मैं दोनों को पढ़ा दूंगा तब करेंगे, ठीक है, दोनों को मैं पढ़ा लें दो, तुम पढ़ा दूं क्या करूं, हेलो हेलो ठीक है ना, मैं जी फोर बिना पढ़ाए हुए आपको दिखा रहा हूँ करते कैसे हैं, इसको नोट्स को ध्यान से रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आएगा, तरीका बिल्कुल सिंपल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस, थैंक यू, अरे फिर फंस जाएगा, कम ऑन यार, हमको क्या निकालना, जी डैश वन निकालना है ना, आपको ये मालूम है ना कि अगर जी जो है, जी क्या है, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, तो ना अपन इसमें मैथमेटिकल तुक्का लगाते हैं, अगर जी इनवर्स है, ठीक है, ध्यान दो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आपको पढ़ाया था ना, अगर g और f इनवर्स होते हैं तो g ऑफ f ऑफ x क्या होता है, x होता है ना, पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, भाई f और g इनवर्स है, बताया था ना आपको, f ऑफ f इनवर्स x x होता है, f इनवर्स ऑफ f x क्या x, पढ़ाया था नहीं आपको, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, ये आ गया, अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा बताओ, g डैश f x इनटू f डैश x इज इक्वल्स टू 1, ये बात चमकती है, ठीक है, तो अब तुमको क्या चाहिए, तुमको जी डैश वन चाहिए ना, तुमको जी डैश वन चाहिए, मतलब तुम चाहते हो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, तुम ऐसा चाहते हो ना एफ एक्स का वैल्यू वन हो जाए ना, अरे मैथ लगा रहा हूँ बस, मैं क्लियर कट मैथ लगा रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही तुमको, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, ऐसा एक्स का वैल्यू जहां पे एफ एक्स वन हो जाए, तो वन इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x प्लस cos x चाहते हो, भाई तुमको ऐसा ही x चाहिए ना, यू दिस x इज व्हाट, इज सच एन x, इज सच एन x वेयर क्या f ऑफ x इज 1, यही है ना वहां लॉजिक, तो हाँ या ना, ठीक है, अब मेरे पास तो मैंने f ऑफ x को 1 डाल दिया, तो बताओ किस x पे ये होगा, जीरो, जीरो पे ऑब्जर्व करना होता है इसको, हमेशा ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पे ऑलवेज, या आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो क्या आ गया ऑब्जर्वेशन से, x इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो क्या आ गया, g डैश वन इंटू एफ डैश जीरो इज इक्वल टू वन, अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश एट जीरो निकालना है, एफ डैश एक्स कितना होगा बताओ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो अब बताओ f डैश जीरो कितना होगा, बोलो तो जीरो प्लस वन प्लस जीरो माइनस साइन एक्स होगा ना, हाँ 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 ठीक है, कितना आ गया, वन आ गया ना, तो g डैश वन कितना आ गया बताओ, वन बाई f डैश जीरो ना,
वैल्यू कितनी आ गई, 1/1 विच इज 1। अरे बाबा ये क्लियर है क्या सबको? क्लियर है ये मैंने क्या किया? ये कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं क्वेश्चन, ये प्रॉपर कंसेप्ट है, करते ऐसे ही है। अभी आपको और अच्छे समझाऊंगा जी और एफ क्या होता है तो आपको समझ में आएगा। ये आपको क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? हेलो हेलो सर, ठीक है। जी में कितने क्वेश्चन है, 5 ही थे ना, तो जी 4 तो मैंने कर दिया, इसको आप वापस से पढ़िएगा। अभी मैं थोड़ा पढ़ाना चाह रहा हूँ, बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, डिस्कस कर रहे हैं स्लोली स्लोली, थोड़ा मैं एक चीज पढ़ाना चाह, ज्यादा नहीं है, थोड़ी चीज है बस, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो एक बार जो इनवर्स फंक्शन को ध्यान से एक बार और समझेंगे आज, उसके बाद फिर अपन इसका एंड कर देंगे भाई। चलो ठीक है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ फिलहाल आपके लिए, ताकि आपको और फील आ जाए। देखो ध्यान से, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, और डिफाइंड है -1 से इन्फिनिटी पे, और इसका रेंज दिया हुआ है -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और बोला है कि नहीं, मैं क्वेश्चन शीट में से लेना अच्छा रहेगा। एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फी से, ठीक है, और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फी से 1 है, और बोला है कि g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो फाइंड g-1, फाइंड g-2, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे, बोलो वापस से क्या लिखोगे? g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ठीक है, g-f ऑफ x इंटू f-x। हम चेन रूल लगा रहे हैं ना, पता है चेन रूल, तो f-x। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, g-के अंदर में 2 चाहते हो ना तुम, g-डैस के अंदर में क्या चाहते हो भाई, 2 चाहते हो ना तुमको, ऐसा x। तो यहाँ पे कैसा x लगेगा, ऐसा x लगेगा जहां पर कि fx 2 हो। अरे है कि नहीं, ठीक है, 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2 और 2 कट गया, x का 2 वैल्यू आया, 0 आया, x का वैल्यू 3 आया, है ना। तुम्हारा डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 है ना, इसका मतलब x का वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे, ठीक है। तो क्या आ गया बोलो, g-2 into f-0 is equals to 1, ठीक है। अभी f-0 निकालना पड़ेगा ना, f-x कितना है बोलो, 2x minus 3 है, तो f-0 कितना आएगा बोलो, तो minus 3 आएगा, तो g-2 कितना आ गया बताओ, तो minus 1/3। बोलो क्लियर है? सबको क्लियर है क्या ये अच्छे से? ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट एक और था इसका, जो मतलब आई वांटेड कि मतलब मैं नहीं पढ़ाऊं, बट वो ना फेस टू फेस में आई विल ट्राई, बट इट्स नॉट लाइक दैट, आई विल नॉट ट्राई, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। लेट्स सी, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं ना प्रॉपर्टीज की बात करना चाह रहा था। हाँ, अभी ना मैं ना इनवर्स फंक्शन के बारे में अच्छे समझा रहा हूँ, और आई थिंक इसके लिए कॉपी पेन यूज कर लूँ, कलर यूज कर लूँ, सीन नहीं आ रही है। आई विल ट्राई कि मैं पहले इस पे कर लूँ आपको, और ठीक है मैं पहले इस पे समझाता हूँ फिर मैं सीधे उस पे आ जाऊंगा। आप ये देखना अभी बिल्कुल ध्यान से, कंसेंट्रेट, हाईली कंसेंट्रेट करो अभी। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, if on graph of y is equals to fx a comma b lies, then on graph of
y is equals to gx, where gx is inverse of fx, b comma a lies. क्या इसमें किसी को हल्का है ना, तो प्लीज कम आउट एंड टेल स्पीक टू मी. ए पे वन है एफ एक्स, तो ऑब्वियसली जब जी एक्स डिफाइन करोगे, लेट्स बी वेरी 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 क्लियर हियर कि ए कॉमा वन किस पे लाई कर रहा है, एफ एक्स पे लाई कर रहा है ना, तो वन कॉमा ए किस पे लाई करेगा, जी एक्स पे. क्या ये चीज एब्सोल्यूटली क्लियर है क्या? Anybody can speak out now. मैं समझ रहा, जिसको पूछना डॉट पूछ लो, मैं बता दूंगा. Come on, पूछना है पूछो. कि अगर fx पे a comma b है, तो gx पे b comma a लाई करेगा, अगर f और g inverse हैं आपस में. ये तो अपन 5-6 दिन से ही पढ़ रहे हैं ना, कि a से b में मैपिंग कराया, a comma b आया तो वन को a comma one आया, तो gx पे क्या मैपिंग होगी, वन की a से होगी ना. बोलो भाई, क्लियर है क्या ये? हेलो शिवाली, क्लियर है क्या शिवाली? शिवाली क्लियर है? सही है, तुमको क्लियर है क्या? हेलो सही है, तुमको क्लियर है क्या? ये बात पक्का क्लियर मैंने बताई अभी आप लोगों को, कि ग्राफ पे a कॉमा b लाई कर रहा है, तो y इक्वल टू gx पे 1 कॉमा a लाई कर लेगा. ये चीज पक्का क्लियर है क्या? एनीबॉडी कैन स्पीक आउट यार, बोलो क्लियर सभी को. सभी को ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस. Anybody, any doubt, please come on, speak if you have a doubt. तो इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज मालूम चल गई तुमको, तुमको पता नहीं चला क्या हो गया. बताओगे क्या हो गया? कि अगर अगर a comma b is on y equal to fx and b comma a is on y is equal to gx, then where g is inverse of f, then graphically बताओ तो y और f का graph कैसे relate होगा? ओम व्याकुल बताओ. Then graphically how is graph of y equal to fx and y is equals to gx related? Om Vyakul, please explain out. यार लोगों के कान तक आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? कोई बोल क्यों नहीं पा रहा है, क्या चल रहा है? हेलो ओम. हाँ सर बताओ. अगर a कॉमा b, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स पे a कॉमा b है और जी एक्स पे b कॉमा a है, जहां पे g जो है इनवर्स है, ये प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है. अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि यार हाउ इज द ग्राफ, देन ग्राफिकली दोनों ग्राफ आपस में रिलेट कब है? ऐसा कब होता है जब 1 कॉमा 2 एक ग्राफ पे होता है, 2 कॉमा 1 दूसरे ग्राफ पे होता है, कब होता है? ज्योमेट्रिकली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कब होता है कि एक ग्राफ पे 1 कॉमा 1 कॉमा 2 है और दूसरे ग्राफ पे 2 कॉमा 1 है? ये चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कब होती है बताओ? मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? हेलो. हाँ सर, थोड़ी थोड़ी कट रही है. कट रही है क्या लग रहा है मुझे? हाँ अभी एक मिनट. थोड़ा ठीक हुआ क्या आवाज? हाँ सर. ओम ओम. हाँ सर. हम बताओ ग्राफिकली रिलेट कैसे होगा बताओ?
इलेवेंथ में हम लोग क्या पढ़े थे, वाई इक्वल टू एक्स में वन कॉमा टू का मेयर इमेज क्या बन जाता है? वन कॉमा टू का मेयर इमेज वाई इक्वल टू एक्स में क्या बनता है? इलेवेंथ में क्या पढ़े थे? सैयद तुम बताओ, सैयद हाँ क्या बनता बताओ? वन कॉमा टू का मेयर इमेज वाई इक्वल टू एक्स में क्या आता है बताओ तो? सवाली वो सब सही करिए, लेकिन सीधे होगा ना, y equal to x में कुछ जादू होता है ना मेरे ख्याल से। 2.2 का मिरर इमेज क्या बनता है श्रेया, y equal to x में? हाँ, somebody said the answer, come on, say the answer. 2.1 बन जाता है ना, 2.1 बन जाता है ना, 1.2 का मिरर इमेज इन y इक्वल टू x क्या होता है? 2.1 होता है ना, मतलब a कॉमा b का मिरर इमेज इन y इक्वल टू x क्या हो जाएगा? b कॉमा a ना, समझे? इसके इस क्या मतलब मालूम चला इससे? इससे मालूम चला ग्राफ ऑफ fx एंड इट्स इनवर्स फंक्शन हाँ बोलो धनंजय, इज मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू x, इज मिरर इमेज इन y इज इक्वल टू x, ये क्लियर है? तो अगर मैंने f ऑफ x का ग्राफ ये बनाया, ये मेरा y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है, तो मेरा F इनवर्स X का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ तो? ऐसा बनेगा ना, आई थिंक थोड़ा सा ग्राफिकली गलती हो गई मेरे से, मतलब थोड़ा आई थिंक कम ऑन यार, आई शुड हैव मेड दिस अ प्रॉपर नाइस ग्राफ। नाउ व्हाट डू आई डू, ऑप्शन कुछ है क्या मेरे पास? आई कांट ड्रॉप दिस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा इसको हटा दो यार, मतलब मैंने गलती हो गई। ठीक है, दिस वाज लाइक दिस ग्राफ, ठीक है, ताकि आपको फील आए। ठीक है, ये ग्राफ आपका किसका है? y is equals to g of x का, ये ग्राफ है आपका y is equals to g of x का। क्या ये चीज अच्छे से क्लियर है क्या कि y equal to fx और y is equals to gx ये ग्राफ कैसे होंगे? आपस में मिरर इमेज अबाउट द लाइन, बोलो अबाउट द लाइन y is equals to fx। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, मैं आपको वापस से दिखा रहा हूं, बहुत मतलब काफी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, बहुत काम आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये आपका y इक्वल टू x का लाइन है, ठीक है, और ये मैंने आपका एक ग्राफ बना दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो आपका y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का ग्राफ इसमें बनेगा, है ना? ठीक है, नाउ व्हाट? ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपको कि इस पे अगर पॉइंट a कॉमा b है तो इस पे पॉइंट क्या है? B कॉमा a। इसको P बोल रहा हूं और इसको Q बोल रहा हूं। P एंड Q आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। P एंड Q आर कॉल्ड इन कैलकुलस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। अरे बोलिए, ये चीज क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। अभी आपने देखा था ना f ऑफ g ऑफ x क्या आया था, x आया था ना, तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, f डैश g ऑफ x इनटू g डैश x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं x को a ले लिया, मैं x को ना b लिया, सॉरी x को b लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ तो? g ऑफ हाँ बोलो,
सर जी ऑफ एफ एक्स एक्स आएगा ना? नहीं दोनों आता है ना, उसमें क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी एक्स होता है, हैं दोनों से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो अभी। तो ये जो एफ इनवर्स एक्स है ये बस लिखने में गंदगी नहीं हो इसलिए इसको जी एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ, एफ डैश जी ऑफ बी, अब बताओ जी ऑफ बी कितना है, वेरी गुड, जी ऑफ बी ए है ना। क्या मालूम चला देखो, तो क्या मालूम चला बताओ, तो स्लोप एट एफ डैश का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इंटू, अरे बोलो यार, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू का प्रोडक्ट कितना है, वन है ना। इसी को जो धनंजय बोल रहा था वैसे करते धनंजय, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स दो सारे डिफरेंशिएट किए तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स कितना आ गया, वन। अभी एक्स को क्या डाले धनंजय बताओ, डालेंगे ए, यहाँ क्या आएगा जी डैश एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ ए कितना है बी है, तो जी ऑफ बी इंटू एफ डैश ए, वापस वही आ गया ना वन। ये क्लियर है क्या, इसको एक और तरीके से करते हैं, ज्योमेट्रिकली करते हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ जो है ना वो मिरर इमेज है, तो इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे और इस पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो आके यहाँ पे सेम जगह पे मिलेगा। तो अगर इसका स्लोप 45 डिग्री है, इसका स्लोप अगर थीटा है, इसका स्लोप माइनस थीटा होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे बिकॉज सिमेट्री की वजह से, ठीक है। अरे ये चमकता है क्या, तो ए पे स्लोप कितना है, ए पे जो टेंजेंट का स्लोप होएगा वो कितना है बताओ, तो टेन ऑफ 45 प्लस थीटा इंटू नीचे में कितना है, टेन ऑफ 45 माइनस थीटा, दिस इज एम एट पी इंटू एम एट क्यू, ठीक है। जरा ओपन करो, ये क्या बनेगा, वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा बाई वन प्लस टेन थीटा, वापस से सब वैल्यू कटे कितना आ गया, वन आ गया ना, तो यहां से भी क्या आ गया, एम ऑफ पी इंटू एम ऑफ क्यू इज इक्वल टू वन, एम ऑफ पी इंटू एम ऑफ क्यू इज इक्वल टू वन। अरे ये क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी जो इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी अपन हैंडल कर लेंगे अभी आज, वो है इंटरसेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स, वेयर जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। मैं लिखता नहीं हूँ नॉर्मली एफ इनवर्स एक्स, वो ना फालतू में खराब चीजों गंदा कर देता है मतलब, इसलिए मैं जी एक्स लिख के पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, एफ एक्स और जी एक्स जो है अगर आपस में इनवर्स हैं तो कहाँ मिलेंगे, जस्ट आंखें बंद करो और सोचो तुम एक मिरर के साथ, हेलो